हेलो एवरीवन, दिस इज अर्जुन। वेलकम टू द व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दिस व्लॉग इज ऑल अबाउट मेडिकल कैंप। एनएमओ के द्वारा ऑर्गेनाइज होता है और रोहतास में होगी, और वहाँ पे मेडिकल कैंप रखा जाएगा 2 दिन के लिए, सैटरडे और संडे। तो आज है फ्राइडे, तो हम यहाँ से अभी निकलेंगे एम्स पटना से शाम को 4:30 बजे। हमारी ट्रेन है 5:30 बजे के आसपास। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे पहले पटना जंक्शन से हमारी ट्रेन है भभुआ रोड के लिए। भभुआ रोड हम लोग शाम को अप्रॉक्स 11:30-12 बजे के आसपास पहुंचेंगे। तो ये पहला कैंप है कि मैं कॉलेज मतलब पटना सिटी के बाहर जा रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, कैसा रहता है, जर्नी कैसी होती है, और आई होप काफी मजा आना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। तो अभी पैकिंग वगैरह कर लेते हैं हम। तो आप देख सकते हो ये मेरा बैग है, ये इसमें नॉर्मली पैकिंग वगैरह हो गई है। और ये 2 स्फिग्मो मैनोमीटर है जो कि ले जाना होगा। इसमें बैग के अंदर मैंने ग्लूकोमीटर भी रखा है 2, और ये है मेरा स्टेथोस्कोप, तो मैं इसको भी ले लेता हूँ। तो चलते हैं अभी, हमें पटना जंक्शन जाना होगा, तो उसके लिए हमने भी ओला बुक किया है। तो हम 4 लोग हैं जो कि ओला से जाएंगे। हम लोग पटना जंक्शन पहुंच गए हैं और हम प्लेटफॉर्म नंबर 10 के साइड उतरे हैं, जिसकी वजह से हमें ज्यादा चलना ना पड़े। फिर भी अपनी सीट ढूंढने के लिए हमें काफी मशक्कत करनी पड़ी। ऐसे कर सकता है। तो अभी सारी टीम आ चुकी है NMCH पटना और एम्स पटना की। तो ये है हमारी टीम। एक्चुअली इस कैंप में 3 मेडिकल कॉलेजेस इन्वॉल्व हैं, एम्स पटना, NMCH पटना और NMCH सासाराम। और एम्स पटना से टोटल 8 लोग जा रहे हैं, जिसमें से 4 डॉक्टर्स हैं और 4 स्टूडेंट हैं। वैसे इस यात्रा को माता मुंडेश्वरी यात्रा बोलते हैं, जो कि हर साल इसी मंथ में ऑर्गेनाइज की जाती है NMO के द्वारा। तो अभी हम लोग को फूड पैकेट मिला है खाने के लिए, तो देखते हैं इस फूड पैकेट में क्या क्या है। मिठाई गायब नहीं है, इसने खा लिया अपनी मिठाई। और इसमें है पूरी, ये क्या है, केला ना, केला है। केला इसमें क्या है, हरी मिर्च, वो जो मुझे पसंद नहीं है। अरे इसमें भी हरी मिर्च है, ना उसमें कुछ चटनी है। इसमें क्या है, सब्जी है कोई। कैसा टेस्ट, कैसा है, बढ़िया है। अभी देखो हमारे साथ कुछ रिसेंटली हुआ है, अभी हम लोग गैस स्टेशन पे उतरे थे पानी लेने के लिए। तो 5 मिनट का शॉपिंग था उसका, वहाँ पे 2 लोग गए थे पानी लेने और केक लेने, और क्या लेने गया था और चिप्स लेने। तो इन्होंने जाके चिप्स ले लिया, वहीं बैठ के खा लिया, सारा केक लिया वहीं बैठ के खा लिया, और तब से ट्रेन चल गई। दूसरे बंदे ने इसको थमा दिया कि तू लेके चल, दूसरा बंदा स्कैन कर रहा था उसकी दुकान पे, तो स्कैन नहीं हुआ और ट्रेन चली, वो छोड़ के भाग गया बेचारे का 100 रुपये का चूना लगा दिया यही था वो। तो अच्छा एक बार बता, कैसा एक्सपीरियंस रहा तेरा? समस्या हो गया क्या हुआ? बढ़िया, कैमरा बढ़िया है, कैमरा अच्छा है, लेकिन जो तुमने किया ना वो अच्छा नहीं है। आज तो याद करके हंसी आ रहा है। तो अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और हम अभी अबुआ रोड पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ से हमें जाना है अनुमंडल गेट, वहाँ कोई रुकने का स्थान है जहाँ पे हमें रात भर रुकना है, फिर अगले दिन सुबह को कैंप के लिए जाना है। कितना खराब रास्ता भी है, और खराब है। कितना दूर है यहाँ से अभी? 1.5 किलोमीटर। अच्छा 1.5 किलोमीटर। ये कौन सा एरिया है वैसे? बबुआ। अरे नहीं, ये तो मोहनिया। मोहनिया ये है स्कूल जहाँ हमें रुकना है। सो अभी हमें इसी क्लासरूम में रुकना है, तो सोने से पहले हमें दवाइयाँ पैक कर लेनी है जिससे कि कल ले जाने में आसानी हो। सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज सैटरडे, आज हम लोग का कैंप है। हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे स्कूल में, आप देख सकते हो ये है स्कूल मानस सरस्वती विद्या मंदिर मोहनिया कैमूर। अभी 6:30 बज चुके हैं, तो अभी हम लोग चाय पियेंगे, फिर निकलेंगे माता मुंडेश्वरी मंदिर है यहाँ पे उसके लिए, फिर उसके बाद हम लोग का कैंप होगा। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से मंदिर के लिए, माता मुंडेश्वरी मंदिर, जो 1/2 घंटे लगेंगे यहाँ से मेरे को। आस
आसपास आ गए हैं। ये मंदिर शायद पहाड़ों पे है। माँ मुंडेश्वरी मंदिर भारत का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। वैसे जो आज का शेड्यूल है, अभी हम लोग को मंदिर जाना है, मंदिर से आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग को ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद फिर कैंप के लिए जाना होगा। अभी हम लोग पहाड़ियों पे चढ़ रहे हैं, वो भी कार से जा रहे हैं, पैदल नहीं जा रहे हैं। फाइनली पहुंच गए हम लोग। ये इंडिया का ओल्डेस्ट वर्किंग टेम्पल है, जो कि बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, और ये मंदिर 608 फीट की ऊंचाइयों पर लोकेटेड है। एक्चुअली ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है सिंस 1915, और एएसआई ने रिसेंटली टोल्ड कि ये 1900 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट होते हैं, जैसे कि नवरात्रि हो गया, शिवरात्रि, रामनवमी, एटसेट्रा एटसेट्रा, और यहाँ पर दर्शन के लिए भी लोग काफी दूर दूर से आते हैं। एक्चुअली ये काफी बड़ा मंदिर था, बट इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट डैमेज हो चुका है, दैट्स व्हाई इट इज अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। आप देख सकते हो इसके अवशेष भी बचे हुए हैं अभी भी। तो अब हम लोग कैंप के लिए जा रहे हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अभी हमारे साथ नीतीश जी हैं, तो यहाँ के बारे में जानकारी देंगे, तो आइए सुनते हैं। अभी हम भगवानपुर से पहाड़ी पर चढ़े हैं, और ये पूरा एक कैमूर पहाड़ी, लगभग 20 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है। 20 किलोमीटर बाद पहला गांव करर पड़ता है, उसके पहले कोई गांव नहीं है। हम लोग अभी कैमूर जिले के धौरा प्रखंड की कैमूर पहाड़ी का जो एरिया है, उसमें कैंप के लिए जा रहे हैं, और ये पूरा एकदम सघन घने जंगलों में बसा हुआ जनजाति समाज यहाँ पे रहता है। यहाँ पर लगभग 200 गांव हैं पूरे कैमूर पहाड़ी पर जनजाति समाज की, जिसमें खरवार, चेरो और उरांव जनजाति के लोग रहते हैं। कुछ मात्रा में कोरबा और पहाड़िया अगरिया जनजाति के लोग भी रहते हैं। उनके बीच में हम लोग स्वास्थ्य शिविर लगा करके उनका चिकित्सा करते हैं। और जैसे कि ये सब पहाड़ी मतलब कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक है ये? कैमूर की पहाड़ी जो है ये सोन नदी के किनारे से शुरू होती है, जो रोहतास जिला है वहाँ से, और ये विंध्य पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है। अच्छा अच्छा। और विंध्य पर्वत माला और ये अमरकंटक तक उस पहाड़ी से जुड़ी हुई पहाड़ी है ये। इस पहाड़ी पर ही रोहतासगढ़ किला, सेठगढ़ किला और चुनारगढ़ का किला, ये सारे किले यहाँ पर अवस्थित हैं, और बरसात में यहाँ पे अनेकों वाटरफॉल हैं जो देखने को मिलते हैं। यहाँ माता मुंडेश्वरी का धाम है, धरती माता मंदिर है, ऐसे अनेकों तीर्थ स्थल हैं। जैसा कि नीतीश जी ने बताया कि बीच में एक वाटरफॉल भी पड़ता है, तेलहड़ कुंड वाटरफॉल, तो अभी हम लोग वहाँ भी जाएंगे। हम लोग तेलहड़ कुंड वाटरफॉल की तरफ है, ये आप देख सकते हो। चलो 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 फटाफट, बहुत सा फोटो अच्छा लेते हो। चलो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि काफी लेट हो रहा है कैंप के लिए। 12 बज चुके हैं और 12 बजे कैंप था, अभी हम लोग यहीं पर हैं। अभी हम जंगल के रास्ते से होके जा रहे हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इतनी धूल है कि बता नहीं सकते। आप उनका सोचिए जो यहाँ पे रहते होंगे। और तो और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा नहीं है। तो अभी हम लोग को इसी स्कूल में कैंप करना है। आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे खेल कूद रहे हैं, और काफी लोग वेट भी कर रहे हैं हम लोग का। 2.5 घंटे की जर्नी करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कैंप के लिए। क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ा जहाँ के हमें कैंप करना है, ये है स्कूल, और यहाँ पे काफी लोग जुटे हुए हैं। एक बात और, यहाँ पे एक्चुअली नेटवर्क भी नहीं है, मेरे पास जियो और एयरटेल का सिम है, दोनों में किसी में भी नेटवर्क नहीं है। और यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि BSNL का नेटवर्क आता है कभी कभी, वो भी ठीक से नहीं आता। और आप देख सकते हो दूर दूर तो कोई गांव भी नहीं है, मतलब बहुत कमी कह रहे हैं। इतना धूल था कि पूरा सर में धूल हो गया, पूरा जो लोग की कार थी बोलेरो उसमें पूरा धूल भर गया है, सब धूल देख रहे हो। तो हमारे ग्रुप में टोटल 5 लोग हैं, तो कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है, कोई मेडिसिन दे रहा है, कोई BP चेक कर रहा है, कोई एंट्री कर रहा है।
लोग का कैंप कंप्लीट होने वाला है, फर्स्ट डे ऑफ कैंप। आज हम लोगों ने अप्रॉक्स 100 ऑफ पेशेंट्स देखा, और आप देख सकते हो यहाँ पे अभी शाम हो गई है, सूरज भी ढल चुका है, काफ़ी लोग यहाँ पे फुटबॉल भी खेल रहे हैं। कल भी हम लोग का कैंप है चरकी में, कल हम लोग का कैंप चरकी में है, आज हम लोग का पडाप में था। हम लोग आए थे 2 बजे, 5 बज चुका है, तो सुबह हम लोगों ने कैंप कंप्लीट करके हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। सेवा संघ के लोग हैं, उनके यहाँ खाने जा रहे हैं हम लोग। दूर दूर तक कोई गांव ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, चले खाते पीते हैं, उसके बाद मिलते हैं। फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे वनवासी सेवा केंद्र जाना है। एक्चुअली यहाँ पे नेटवर्क नहीं है पूरे गांव में, क्या पूरे दूर दूर तक हम लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि नेटवर्क आ जाए, और शायद हम लोग अगर नहीं मिले तो याद कीजिएगा, थैंक यू। अरे नहीं, मिल जाएंगे। अरे ये घर है, अंधेरा है पूरा। अच्छा, यहाँ से चलना है, हम लोग घर में घुस रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया, अब हम जा रहे हैं वनवासी सेवा केंद्र जो कि अधौरा में है। आप देख सकते हो कितना खतरनाक रास्ता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कुछ साल पहले ये नक्सली बाहुल्य क्षेत्र था। सो अभी हम लोग वनवासी कल्याण समिति पहुंच चुके हैं, और हम यहीं पे रात भर रुकेंगे, फिर कल फिर हम लोग को 8 बजे सुबह ही कैंप के लिए फिर से जाना है। सो आई होप आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया हो। एक्चुअली ये day 1 का ब्लॉग था, day 2 का भी ब्लॉग आएगा। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, चलिए आराम करते हैं आज, फिर कल मिलते हैं फिर से नए ब्लॉग में।